हेलो दोस्तों, नमस्कार। होम्योपैथिक टच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, उस मेडिसिन का नाम है बर्बेरिस एक्विफोलियम। दोस्तों, आज हम लोग इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि ये मेडिसिन किस चीज़ से बनता है, या फिर ये किस किस रोग या फिर किस किस बीमारी में काम आता है, या फिर इसे खाने के क्या क्या तरीके होते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाला अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, हम जिस दवा के बारे में यानी कि जिस मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम है बर्बेरिस एक्विफोलियम क्यू। दोस्तों, इसके बारे में यह कहा गया है कि पित्त विकार के साथ भीषण सिर दर्द की यह एक महा औषधि है। इस दवा के क्यू शक्ति 3 बूंद की मात्रा में रोज़ 3 बार देना चाहिए। चेहरे की फुंसी और बरे की यह एक आश्चर्यजनक औषधि है। क्यू शक्ति की 1 बूंद की मात्रा रोज़ 2 बार सेवन करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप ये वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखे होंगे, यानी कि आपको इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, आपको तो मालूम हो ही गया होगा कि ये मेडिसिन किस चीज़ से बनता है, लेकिन अगर उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप इस मेडिसिन को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। और रही बात इस दवा को कैसे खाया जाए, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोगों को पास जाएगा उतने लोगों को इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा और भी कई मेडिसिन के बारे में जानकारी लेनी है तो मैंने उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर आऊँगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे।